अस्सलामुअलैकुम गाइस, यूज़ किचन में वेलकम है आपका। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पीनट बटर की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है और ये आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं और आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताएंगे। तो यहाँ पे 2 कप हमने पीनट ले लिया है, रॉ पीनट है यहाँ पे, और 2 चम्मच यहाँ पे हमने कोकोआ पाउडर ले लिया, 1 चम्मच शहद ले लिया है, 2 चम्मच सॉरी। और यहाँ पे पहले हमने पीनट को रोस्ट कर लेना है हल्का सा। इसका छिलका जब उतरने लगेगा आप इसे अच्छे से इसको छिलका निकाल के, ये देखिए यहाँ पे छिलका उतरा, आप इसको पहले ठंडा कर लीजिए। और इसके फ़ायदे आप जानते हैं, इसमें 40% कम फैट होता है और 25% प्रोटीन होता है। पीनट बटर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि बॉडी को एनर्जी देता है और आँखों को स्वस्थ रखता है। देखिए यहाँ पे हमने छिलका इसका उतार लिया है, अच्छे से इसको हाथों से मल के अपने दोनों हाथों के बीच में रख के ऐसे सब करके छिलके को साफ कर लेना है अच्छे से, इसका छिलका निकाल लेना है, इसमें रहना चाहे इसको ध्यान रखिएगा आपने। और घर पे ही अच्छा सा आप तैयार कर सकते हैं फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, क्रंची फ्लेवर, हनी फ्लेवर, शुगर भी ऐड कर सकते हैं, विदाउट शुगर भी जैसा चाहे आप बना सकते हैं। हाँ देखिए हमने ऐसे इसको छिलका निकाल के भी साफ करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, पहले इसको हम जार में डालेंगे और इसको धीरे धीरे पर्स मोड पे पहले चलाएंगे। और इसको बनाने में कम से कम हमें 1/2 घंटा लग गया था, तो इसको धीरे धीरे ही करना है। जो मशीन का जो जार, मिक्सर का जार होता है वो गर्म होता है, हीट हो जाता है। तो पहले ये पाउडर फॉर्म में आएगा, देखिए पर्स मोड पर चलाते रहेंगे, पहले ये पाउडर फॉर्म में आएगा। उसके बाद अब फिर एक बार इसको हम करेंगे, फिर इसमें कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने जो हनी लिया है हनी भी ऐड कर देंगे, आप चाहें तो शुगर ऐड कर दीजिए। इसके बाद दूसरी इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करेंगे चुटकी भर, इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। और 1 चम्मच यहाँ पे हमने बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो 2-3 चम्मच बटर यूज़ करिएगा, तो ये थोड़ा सा हल्के पतले से फॉर्म में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था मेरा, तो आप 2-3 चम्मच का ऐड कर लीजिएगा बटर का, ये देखिए। तो इसको धीरे धीरे करते रहेंगे, ये हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है, डाइजेशन सही करता है, कैंसर से भी बचाता है और कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो आप लोग घर पे अच्छे से बनाइए फ्रेश खुद का और इन्जॉय करिए। देखिए ब्रेड में हम आपको लगा के दिखा रहे हैं थोड़ा सा, 1 महीने तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप, और हमने स्टोर करके रखा, अभी भी वैसे ही है, ये बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। थोड़ा सा मेरा ड्राई हो गया था, आप लोग 2-3 चम्मच बटर ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको इसको चलाना है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।